खबर कोटा जिले से है, जहां इंडस्ट्रीज एरिया में देर रात जहरीली और बदबूदार गैस रिसाव का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश जताया है। बता दें कि जिले की लोहार बस्ती, नागपाल कॉलोनी, जय श्री विहार कॉलोनी व सूरसागर इलाके में कई दिनों से जहरीली बदबू आ रही है, जिससे लोगों को घुटन हो रही है और अजीब बदबूदार गैस के चलते लोगों की आंखों के जलन, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और घबराहट जैसी अन्य शिकायत के साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने इस मामले में जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों से समझाइश की और संबंधित विभाग से जल्द समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। बस्ती में जो केमिकल की बदबू आ रही थी, जिसके कारण कई लोगों को उल्टा हो गई थी, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, उसको हमने प्रशासन से मौके पे लेकर अवगत करा दिया है और उसकी एक रिपोर्ट भी हमने यहाँ साहब को दे दी है। अब प्रशासन से हमारा अनुरोध है, तुरंत इस पे कार्रवाई कर एक दो दिन के अंदर इसे जो भी जहाँ से बदबू आ रही है इसे जल्द से जल्द खत्म करें, नहीं तो कोई बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए हमने प्रशासन को इसके लिए सूचना देकर अवगत करा दी है। सूरसागर से आए थे, इन्होंने एक कंप्लेंट लिखी है, उन्होंने उच्च अधिकारियों को मैंने निवेदन कर दिया। कल इसकी जो भी औद्योगिक क्षेत्र नागपाल कॉलोनी मल्टीपल से जो गंदा पानी आ रहा है उसकी फैक्ट्रियों की जांच करवाएंगे, कहाँ से क्या हो रहा है। मौके पे गया था तो ऊपर से जो नाला आ रहा है उसमें काफ़ी तगड़ी बदबू आ रही थी, काफ़ी मतलब बहुत गलत बदबू और मेरी वाइफ और बच्चे के साथ घूमने निकला था। अब यहाँ पे इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है, गैस लीक की दुर्गंध आ रही है और इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा लोगों को उल्टी, दस्त की शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो रही है।